रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सासुर चैनल, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखे, खैरियत से रखे, अपने जमान में रखे, खुशियाँ भरी जिंदगी दे, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी है मेरी कीमा भरे करेले। ये देखने के लिए मैंने प्याज, ये मैंने करेले छील लिए ऊपर से, और ये छीलने वाले, ये देखिए मैं इस तरह इनको, इनका छिलका उतार रही हूँ इस तरह, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा इजी कटर के साथ इसका छिलका उतर जाता है। ये मैंने छील लिए हैं, ये जो है छीलने वाले हैं इनको भी मैं छील लूँगी, फिर इन सबको मैं नमक लगाऊंगी। जब मैं नमक लगाऊंगी मैं आपको बता दूंगी। ये लिया मैंने कीमा, और बाकी जो मैंने बीफ कीमा लिया, और बाकी जो सारे मसाले हैं वो जब मैं साथ साथ डालूंगी फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी इनको मैं सब कुछ छील लूँगी, छील के फिर मैं नमक लगाऊंगी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखेंगे मैं इनको कट लगा के इनके बीज निकाल रही हूँ। इस तरह इनको नोक वाली छुरी लेनी और उसको इस तरह आपने कट लगा देना, ये देखिए कट लग गया। और इसको खोलना है इसी छुरी की नोक से ही, इसके ये बीज इस तरह करके चम्मच से निकाल लें या छुरी इसके नोक से निकाल लें, वो आपकी मर्जी है, आप जिससे निकाल लें। इस तरह सारे बीज निकाल लेंगे, अंदर से इसको खाली कर लेना। ये मैंने बीज निकाले हुए हैं, ये देखें इस तरह इसको अंदर से खाली कर लेंगे, इसको खाली कर दिया। इस तरह मैं सारे कर लूँ कट लगा के, सबके बीज निकाल लूँगी, फिर मैं बताऊँगी आपको नमक कैसे लगाना। हिंदे देखेंगे मैंने इनको छील लिया, अब छील के इनके अंदर ऐसे नमक डाल के अंदर तक आपने नमक लगा देना अच्छी तरह, बाहर से भी इसको अच्छी तरह लगा देना। इस तरह इसको खोल के, इस तरह खोल के इसके अंदर ये देखिए नमक डालना आपने, नमक डाल के इस तरह अच्छी तरह अंदर तक लगा देना, बाहर भी बाद में लग जाएगा। और जब इसका वो कड़वा पानी जो होता है नमक से निकल जाता सारा, ये पड़े रहेंगे तकरीबन 3-4 घंटे, तो ये सारा पानी निकल जाएगा इनका कड़वा। तो फिर मैं इनको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। छिलके निकाले हैं उसमें भी इसी तरह मैंने नमक लगा दिया है। तो ये जो इसके बीज निकाले हैं मैंने, ये पके हुए नहीं है बीज, ये नरम है, तो मैं इनको भी साथ ही डालूँगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे डालने हैं, ये क्या करना है इनका। इसी तरह इनको भी ये देखिए मैंने नमक लगा के रख देना है, और इनका भी जो कड़वा पानी है वो निकल जाएगा, इसका भी जो कड़वा पानी होगा वो निकल जाएगा। ये देखिए इसको मैंने पहले भी नमक लगाया हुआ था, तो ये देखिए पानी निकल रहा है इनका भी, इनका पानी निकल जाएगा। निकाल के धो के इनको अच्छी तरह इनका जो पानी है निकाल लेना, धो के भी अच्छी तरह निकाल के फिर इनको थोड़ा खुश करना है, खुश करके फिर इनको मैं बनाऊंगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे होना है। अब तो मैं इनको नमक लगा के सबको रख दूँगी। ये देखिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला, इसके अंदर मैं डाल दूँ प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, इसके अंदर मैं ये साबुत लहसुन डाल रही हूँ, ये साथ ही कीमे के साथ ही ये भी गल जाएगा। मेरा हिम ये देखें जी मैं आप कीमा डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें मैं डालूंगी नमक मिर्च, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक में नमक डाल रही हूँ, आपने अपनी जरूरत के मुताबिक लेना। अब
देखो तो यही मिर्च डाल दो, एक चम्मच डाल दो, देखेंगे नमक मिर्च डाल दी है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, ये पानी इसलिए डाला है कि जो लहसुन डाला है मैंने, जो प्याज है इसके अंदर, मैं हर चीज़ थोड़ी गल जाएगी अच्छी तरह, तो फिर उसको मैं भून लूँगी, फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो देखेंगे इसमें पानी जो मैंने डाला था उसको हो गया और मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर जाएंगे दूसरे मसाले, ये देखेंगे ये साबुत तेल जीरा, ये जीरा पीसा हुआ है, ये खुश्क धनिया पीसा हुआ है, ये गरम मसाला पीसा हुआ है, ये देखेंगे टमाटर चॉप किए हुए, बारीक कटे हुए हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और साथ धनिया सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको लाल खिलाने रखी हुई है, देखेंगे ये तैयार हो गया बिल्कुल, ये करेलों के अंदर जो बर्ना है वो वाला कीमा बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये देखें ऐसे कीमा है जैसे वो उन्होंने बाज़ार में बनाया होता है, और हर चीज़ देखें कैसे माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। और इसको अब मैं रखूँगी ठंडा होएगा, फिर मैं अब जब करेलों में भरूँगी फिर भी आपको मैं दिखाऊँगी ज़रूर। मेरा ये कीमा देखें तो ठंडा हो गया, और करेले भी मैंने धो के रख दिए थे, तो दो तीन घंटे मैंने इनको यानी कि खुश्क किया, जो इतनी जल्दी नहीं मैंने किया, दो घंटे मैंने इनको रखा खुश्क किया करके। तो अब देखो इनके अंदर इसी तरह मैं कीमा भर रही हूँ, इस तरह कीमा भर रही हूँ इनके अंदर, सारे भर लिए। ये देखें जी सारे मैंने करेले भर लिए हैं इस तरह कीमे से। अब इनको मैंने बंद कैसे करना है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, तो देखना कि ये खुलेंगे नहीं, अभी तो खुले नज़र आ रहे हैं ना, जब मैं डालूँगी ना आलू में गर्म करके तो फिर देखना ये बंद होंगे। लड़क बने रहेंगे, देखें जी गैस के ऊपर रखिए, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, ज़रूरत के मुताबिक ही लेना आपको, सही है आपको इतना आप ले लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए जी मैंने एक अंडा लिया, उसको मैंने पैंट लिया अच्छी तरह पैंट के, तो ये देखिए इस तरह आपने इसके अंदर करेले के अंदर बंद लगा देना, जहाँ ये इसको कट लगा हुआ वहाँ पे लगा के उसी साइड पे आपने इस तरह इसके अंदर डाल देना, तो देखना करेला कभी भी खुलेगा नहीं, इसी तरह सारे करके ये देखें इस तरह डाल देना, बड़ा आसान तरीका है ये, देखा आम लोग धागा लपेट रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने देखा कईयों को धागा लपेटा होता, मैंने धागा नहीं लपेटती, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ कि आप भी जब बनाएँ इसी तरह बनाएँ, आपको भी धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माने रहेंगे देखेंगे, मैंने सारे इसी तरह अंडा लगा के उनको सबको मैंने इसी तरह डाल दिया, तो अब एक साइड से जब वो हो जाएंगे हल्के ब्राउन तो फिर मैं दूसरे साइड से एक कर दूँगी। माने रहेंगे देखेंगे ब्राउन हो गए हैं करेले, जो ब्राउन होते जा रहे हैं देखिए मैं उनको निकालते जा रही हूँ, और
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सारे करेले मैंने ब्राउन कर लिए, निकाल लिए हैं। ये देखें इसका जो मैंने बंद किए हैं अंडे के साथ, ये देखें बिल्कुल बंद है, ये खुलेंगे नहीं। आप जैसे मर्जी इनको कर लो, ये खुलेंगे नहीं। इस तरह बड़ा अच्छा रहता है। और देखें जी, जो इसके छिलके मैंने उतारे थे उनको भी मैंने नमक लगा के धोया था, धो के अब मैंने उनको खुश कर लिया। मैंने इसका कोई हिस्सा भी ज़ाया नहीं किया, आपके सामने है। ये मैंने छिलके हैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर, जो इसके मैंने बीज निकाले थे उनको भी ऐसे ही मैंने नमक लगा के धो के अच्छी तरह खुश करके, तो अब मैंने उनको पीस लिया। यानी कि उनको साबत नहीं डाला, कई लोग साबत भी डाल लेते हैं, हमारे घर में साबत नहीं खाए जाते इसलिए मैंने साबत नहीं डाले। और ये भी मैं इसी के साथ ब्राउन कर लूँगी ताकि ये कड़वे ना लगे। ये देखें जी, ये भी हल्के से ब्राउन हो गए। हल्के से ब्राउन हो गए, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये देखें जी प्याज। हम बनाते हैं मसाले वाले, इसके अंदर मसाला करेलों के साथ मसाला भी होता है। कई लोग बनाते हैं वो खाली इसी तरह सीने में भर के, तो मसाला नहीं बनाते, इसी तरह बस भरते हैं उनको, तो कहते हैं कि ये बुत करेले तैयार हो गए हैं। तो मैं तो नहीं उस तरह बनाती, मैं तो इस तरह मसाले वाला बनाती हूँ। मैं इसे प्याज ज़रा थोड़ा होगा तो फिर मैं नरम हो जाएगा, मेरा गल जाएगा, उसके अंदर नमक मिर्च सारी चीज़ें डाल रही। अल्लाह रहमान रहीम, नमक डाल दें। लाल मिर्च के किसी मिर्च का पाउडर है, यूज करना। अब हल्के चूल्हे पे इसको रखूंगी और इसको आप डालूंगी टमाटर। क्योंकि टमाटर मैंने इनका छिलका उतार लिया, अब इनका मैं पेस्ट बना लूंगी इसी तरह पीस के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें कि पेस्ट बन गया, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। देखेंगे प्याज बिल्कुल यानी कि पक गया, इसके अंदर जो कीमा बचा हुआ है ना, करेले भरे हैं और जो कीमा बचा हुआ वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसी में मिक्स कर दूँगी। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, करेले इस तरह ज़रूर बनाइएगा। आप बनाएंगे खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, ये बहुत मज़े के बनेंगे आपके भी इसी तरह। मसाला ज़रूर बनाइएगा इस तरह प्याज का, ये बहुत मज़े का बनता है। दम पर रखूँगी ताड़ा बिच मुझे देखेंगे मसाला तैयार हो गया। ये वैसे है जैसे खड़ा मसाला, हम कहते हैं कि ये खड़ा मसाला डाला वही चीज़ है, ये खड़ा मसाला। तो इसके अंदर ये देखेंगे अब मैं डाल रही हूँ करेले।
और 5 मिनट फिर कोई ऐसे दम पे रखूँगी ताकि ये बीच में थोड़ा सही हो जाए तो ये तैयार हो जाएंगे। मान रहे ये देखो जी कीमा भरे करेले तैयार हो गए हैं। सारा कुछ मैंने आपके सामने किया, आपको दिखा के किया, जैसे मैंने बनाए हैं आपको दिखा के मैंने बनाए हैं, तो आप भी इसी तरह बनाएं जैसे मैंने बनाए हैं। इसी तरह बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे, और इसी तरह बनाएं खाएं मज़े करें। जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो सब्सक्राइबर है लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखा करो। फिर मिलेंगे किसी ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।